सेविस में कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, कौन सा सही तरीका लीड जनरेशन करने का, जो पुरानी चीजें आपको अपने प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग्स में बताई जा रही है, आप उस तरीके से अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं। भाई फिर करें क्या, हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, हमारी कम्युनिटी अच्छी है, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो, अगर आप डिजिटल कुछ भी कोर्सेज सेल कर रहे हो, कोई भी अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, तो मेन चीज आपकी लीड जनरेशन हो जाती है। जब तक लीड जनरेशन नहीं हो रहा होगा आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, आपके पास सेल्स नहीं आ। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको लीड जनरेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें शेयर कर दूंगा इन डिटेल, जो भी 2023 में चलने वाली है, जिसका यूज करके आप बहुत अच्छी इनकम करने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। मैं फिर बता दूं, ये मैटर नहीं करता आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। एट दी एंड आपको चाहिए तो लीड ही ना। अब लीड जनरेशन करने के दो मेथड होते हैं, आपको पता भी होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में आप जब लीड जनरेशन करते हो तो आप अपना पैसा स्पेंड नहीं करते, अपना टाइम और अपना कंटेंट देते हो, उसके बेस पे आपको लीड आती है। जैसे कि मैं अभी आज वीडियो बना रहा हूँ, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कभी लिंक डाल देता हूँ कि आप जो भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस हो गया ये ऑर्गेनिक हो गया, इसके लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया। अब इनऑर्गेनिक क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक मतलब आप लीड जनरेशन के लिए पैसा बता रहा हूँ। मैंने इस मेथड का यूज करके काफी सारी जो होती है ना, एक ऑडियंस होती है जो बहुत समझदार होती है, बहुत लॉयल होती है, यहाँ से मुझे वो लीड मिली है जो सच में एजुकेटेड है और सच में इंटरेस्टेड है और जो वो मानती है कि ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। आप भी चाहते हैं ऐसे लीड जनरेशन करना तो इस मेथड का यूज करें। वो मेथड क्या है, तो इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन करने का सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो ये कि आपको बोला जाता है कि आप डीएम करो, आप किसी की लाइक में कमेंट में जाओ, उन लोगों को आप फॉलो करो। अभी जो वर्क करती है वो नई चीजें वर्क करती है, आपको काम करना है पर कुछ नए तरीके से करना है। आप इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हो और रील में भी अगर आपको हाथ हिलाते हुए रील बनाने के अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाओ वहाँ पे आपको कोई काम नहीं है, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। जो लोग टॉप पे बैठ गए हैं वो हाथ हिला के रील बना के ऐसा ऐसा करके तो उन लोगों का चल गया। मेरे काफी सारे फ्रेंड है जिन्होंने इस चीज पे वर्क करा और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। वो ये कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना रहे हो तो आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना है, आपको रील ही बनाना है, बेशक रील ही पोस्ट करना है पर आपको वैल्यू वाली रील पोस्ट करना है, उसमें आप खुद आना चाहिए वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं, कौन सा कंटेंट बनाऊं, तो लास्ट में मेरे पास एक टिप है, वो अगर आप यूज करेंगे आपको कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन में कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, आपने नहीं कभी लीड जनरेशन करा है, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करना है, कैसे मैं अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर दूं, तक जरूर देखना, एंड में ही वो चीज आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया रील, क्योंकि रील से ही आपका लीड जनरेशन होगा। पर रील कैसी अपलोड करना है, अपनी खुद की अपनी वॉइस में, कम से कम एक या 30 सेकंड 40 50 सेकंड एक मिनट की रील होना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हो ऑडियंस को, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो। मैं मानता हूं आपके व्यू कम आएंगे, आपके व्यू 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएंगे, हो सकता है चले भी जाए बाई चांस, क्योंकि एल्गोरिथम इस हिसाब का, अगर आप अच्छी रील बनाते हो ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, पर कुछ लोग पसंद करेंगे, पर वो ऐसे लोग होंगे जो सच में उस चीज में इंटरेस्टेड है और आप पे भरोसा करते हैं उस चीज के लिए, तो वो आपको ऑडियंस मिलेगी, वो आपकी हर रील देखेंगे। उसके बाद जो इंस्टाग्राम पे आप लीड जनरेशन करने के लिए कर सकते हैं, आप जो भी स्टोरी डालते हैं उन स्टोरी में हैशटैग और लोकेशन का यूज करा करो, चाहे हैशटैग और लोकेशन दोनों हाइड कर दिया करो पर यूज करा करो। उसके बाद इंस्टाग्राम में पोस्ट आप डेली देखो, इंस्टाग्राम क्या इसको समझो एक प्रकार से, वो क्या अगर आपका भी प्लेटफॉर्म हो तो आप क्या चाहोगे कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग एंगेज रहे, उसके लिए क्रिएटर को क्या करना पड़ेगा, उसको डेली पोस्ट करना पड़ेगा, डेली एंगेजमेंट बना के रखना पड़ेगा और जो ये काम करेगा इंस्टाग्राम उसको पुश करेगा। तो यही चीज है सिंपल सी, आपको डेली एंगेजमेंट रहना है, डेली पोस्ट कुछ ना कुछ डालते रहना है, रील वगैरह डेली रील डालो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी डाल पाते हो अगर वैल्यू वाली रील बना रहे हो हफ्ते में दो भी डालो एक भी डालो तो भी। के अलावा ऑर्गेनिक वे में मेरे को लगता है यूट्यूब, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो वहां पर आ सकते हैं। अब जो भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दो, उसकी ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस जब आपको यूट्यूब पे देखेगी तो यूट्यूब को लगेगा कि यार ये जेन्युइन कंटेंट है, तो वो और लोगों तक भी पहुंचाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो पर आप एफिलिएट से बहुत अच्छी इनकम करोगे, प्रोसेस लंबा है पर रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, जिससे मेरे को भी रिजल्ट मिला है। मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो से ही बहुत अच्छी इनकम करी है और कर रहा हूं, मेरे को कभी ऐसा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने की जरूरत पहले मैं करता था पर जैसे मुझे YouTube के बारे में पता चला मैं YouTube से ही अपना बिजनेस कर लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक वे में इंस्टाग्राम रील के बारे में बताया, यानी इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन करने के बारे में बताया और YouTube के बारे में बताया। अब इसके अलावा मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि आप बिगिनर स्टेज पे वो चीज ट्राई कर सकते हो, उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, मिलेंगे भी तो बहुत स्लो रिजल्ट होंगे जैसा कि आप चाहते हैं। अच्छा फास्ट ग्रोथ वो आपको नहीं मिलेगी, फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको इनऑर्गेनिक जाना ही पड़ेगा। अब कुछ पेड मेथड की बात कर लेते हैं गाइस। अगर बात करें फेसबुक एड्स गूगल एड्स की, तो आप गूगल एड्स
एड्स भी ट्राई कर सकते हैं। फेसबुक एड्स में ना पहले जो एड रन होते थे उस हिसाब से एड रन करेंगे तो यार नहीं रिजल्ट आने वाले। आपको किसी एक्सपर्ट को पकड़ना पड़ेगा जो कि एड रन कर सकता है और उसकी टारगेटिंग उस हिसाब से करवाओ कि आपके पास एक मैच्योर ऑडियंस आए जिनसे आप बातचीत अच्छे से कर सको। वरना जो लेबर कैटेगरी की लीड होती है वो आपको बहुत सस्ती लीड मिल जाएगी पर आपको उनसे रिजल्ट आने में बहुत पसीने बेलना, बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे, पसीना छूट जाएगा आपका पर वो कन्वर्ट नहीं होंगे। मेरी मानो तो आप गूगल एड्स पे भी वर्क कर सकते हो। अब एक मैं आपको टिप देने वाला था कि कंटेंट क्या डालना है, कैसे डालना है, तो आपको मैं बता दूं फैक्ट रिलेटेड कंटेंट होते हैं आप वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना आप कर सकते हो ट्राई जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कुछ चीजें होती है जो भी हर कोई रिलेट कर जाए, ठीक है। अब ये मान लो ये घड़ी, तो घड़ी से रिलेटेड घड़ी ऐसे मैं पहनता हूं तो सीधे हाथ में क्यों नहीं पहन सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब ये कड़ा मैंने पहना है तो ये कड़ा क्यों, ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम में आती है इन चीजों पर आप कंटेंट बना सकते हो। मतलब कुछ भी कंटेंट बनाओ, लोगों को बस वैल्यू देना है। अगर आपके पास खुद ऐसी कोई स्किल नहीं है, खुद किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो तो ये चीज कर सकते हो। काइंड मास्टर यूज कर लेना वीडियो एडिट करने के लिए और जो आप इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो वही रील आपने यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके 10 मिलियन व्यूज 90 दिन में पूरे हो जाते हैं आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, आपका एक और इनकम सोर्स रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। फिलहाल देखो एक यूट्यूब वीडियो में इतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें ध्यान रखना पड़ती है यूट्यूब वीडियो में, आपको एंगेज भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हमें काटना पड़ती है, स्किप करना पड़ता है बहुत सारे पार्ट। और यही चीज कोर्स में ना आपको भले आप बोर रहे होते हो पर उसमें हम टोटल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पर कोई नहीं, अभी तो यूट्यूब वीडियो आपको मैं आपके लिए सीरीज रेडी कर दूंगा, कमेंट कर देना आप और यह जरूर बताना आप किस प्लेटफॉर्म पर ताकि मुझे पता चले कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लोग वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और आपको वैल्यू दे सकूं और वहां पर नॉलेज शेयर कर सकूं। क्योंकि मेरे पास इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अफिलिएट कर चुका हूं। अभी फिलहाल जो मैं अफिलिएट कर रहा हूं डिजी करियर पे कर रहा हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, वीडियो वगैरह मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो मिल जाएगी और चेकआउट कर सकते हैं, आपको और जानने को मिल जाएगा उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली और ऐसी वीडियोस मिल सके।